जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार दी। जिस तरीके का परिणाम सामने आया, जन विरोधी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए, किसान मजदूर के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने काम किए और उसका परिणाम सामने था कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में जो अंतर्कलह थी, जो कहीं न कहीं दबी हुई थी, वो अब सामने आ गई है। और ये झगड़ा कहीं न कहीं दिल्ली और लखनऊ का झगड़ा है। बिना किसी इशारे के इतने लोग एक के बाद एक नहीं बोल सकते, लेकिन जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जो बातें लगातार एमएलसी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सच है। अगर भ्रष्टाचार की बात हो रही है तो ये भ्रष्टाचार की बात समाजवादी पार्टी पहले से उठाती आई है। आज भारतीय जनता पार्टी ने उस बात को स्वीकार कर लिया है और समाजवादी पार्टी 2027 में सरकार बनाएगी, ये बात तो आज भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार कर रही है। तो समाजवादी पार्टी समझती कि भाई भारतीय जनता पार्टी की एक हार के बाद अंतर्कलह है, वो सामने आ गई है। दिल्ली और लखनऊ का झगड़ा जो दबी जबान लोग बोलते थे, आज वो बिल्कुल सामने खुल के आ गया है। समाजवादी पार्टी समझती कि ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी झगड़ा है, इस पे समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी। देखिए, दिल्ली और लखनऊ का जो झगड़ा है वो बढ़ा हुआ ये साफ नजर आता है। किसी को भी इस बात को मतलब खुली आंखों से दिख रहा है जो झगड़ा है। इससे पहले जब लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आया, दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में थे, यूपी में कैबिनेट की बैठक हो रही थी, अब फिर से दिल्ली के चक्कर कट रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी समझती है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकारा है, एक हार ने भारतीय जनता पार्टी को अंदर तक खिला के रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी का ये अंदरूनी झगड़ा है, उनके संगठन का, सरकार का, मुख्यमंत्री के पद का झगड़ा, तो ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी झगड़ा है। इस पर समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से नकारने का काम किया। देखिए, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनियों करनी में बड़ा फर्क है। देश के गृह मंत्री जी जिस बात को बोल रहे हैं, तो सवाल ये है कि ओबीसी को आरक्षण जो मिलना चाहिए था, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला, क्या उत्तर प्रदेश में मिला, क्या दिल्ली की पुलिस भर्ती में मिला? और जब वो मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो समाजवादी पार्टी सवाल पूछती कि भाजपा के जो सहयोगी दल है टीडीपी, वो मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, वो 50 साल से ऊपर के मुसलमानों को पेंशन देने की बात कर रहे हैं, इन मुद्दों पे भाजपा खामोश क्यों हो जाती है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा वो अब जनता के सामने आ चुका है। अब ये मुसलमान मुसलमान करने से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलने वाला नहीं है। देखिए, ये कानून व्यवस्था का सवाल है। जो हत्या हुई है, समाजवादी पार्टी ने कल भी उसकी निंदा की थी और समाजवादी पार्टी बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से और बिहार की सरकार से ये उम्मीद करती है और उन भरोसा है कि न्याय मिलेगा, जल्द ही जो आरोपी हैं वो पकड़े जाएंगे और बिहार में जो कानून व्यवस्था है उसका राज स्थापित होगा। देखिए, लगातार केशव प्रसाद मौर्य जी वो संगठन और सरकार को लेके बयानबाजी भी कर रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं, जो सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं। तो ये सही है कि किसी भी संगठन में, किसी भी सरकार में, पार्टी से जो पार्टी होती, संगठन होती, वो बड़ी होती, सरकार जो है वो बड़ा नहीं होती है। किसी भी दल का संगठन बड़ा होता है, लेकिन ये बोलने का जो समय है, जो टाइमिंग है, वो महत्वपूर्ण है। जब दिल्ली और लखनऊ का झगड़ा चल रहा है, तब अपनी ही सरकार पे सवाल खड़े करने, समाजवादी पार्टी समझती कि एक हार के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो अंतर्कलह है वो बिल्कुल खुल के सामने आ गई है। केशव प्रसाद मौर्य जी लगातार अपनी ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, एमएलसी जो कार्यकर्ता हैं, वो अपनी ही सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी समझती कि जनता लोकतंत्र में बड़ी ताकत होती है, एक जनता के एक फैसले ने भारतीय जनता पार्टी को अंदर तक हिला के रख दिया है, भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह वो बिल्कुल सामने आ गई है।